Coming to methods of integration, there are lot many methods of integration. बहुत पापड़ मिले गए इस सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, पर कुछ बहुत पॉपुलर मेथड्स, ठीक है, देयर आर सम वेरी पॉपुलर मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, और उसमें जो सबसे पहला है दैट इज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इंटीग्रेट करते हैं, बहुत सारे काम उससे हो जाते हैं। दूसरा जो पॉपुलर मेथड है, जब रेशनल फंक्शंस के साथ हम डील कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शंस की, तो मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस से वहाँ पे एम्प्लॉय किया जाता है। रेशनल फंक्शंस के साथ आप डील कर रहे हैं। थर्ड जो पॉपुलर मेथड है, व्हेन फंक्शंस कम इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, एफ एक्स इंटू जी एक्स प्रोडक्ट की फॉर्म में आए, तो फिर वहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक मेथड आता है। ये तीन मेथड जो हैं हमारा मेजर एरिया ऑफ इंटीग्रेशन कवर करते हैं, तो वो हम इसमें इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो नॉर्मल रूटीन में चीज़ें आती हैं, यूसेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाउ ट्रिग्नोमेट्री कैन बी एक्सप्लॉइटेड फॉर सॉल्विंग इंटीग्रेशन क्वेश्चंस, ठीक है, वो चीज़ें भी सब हम साथ साथ सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें मेथड है हमारा, वो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो भी एक्सप्रेशन हमें दिया गया, जो भी एक्सप्रेशन हमें दिया गया, हम उसको केयरफुली वॉच करते हैं, ठीक है, और उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबको ध्यान से देखते हैं, ठीक है, और कोशिश ये होती है कि dx के साथ, क्या बोला मैंने, dx के साथ कोई ऐसा पार्ट उस एक्सप्रेशन का अटैच हो सकता है जो किसी दूसरे पार्ट का डेरिवेटिव। एक्सप्रेशन में हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि dx के साथ हम क्या किसी एक्सप्रेशन के पार्ट को अटैच कर सकते हैं जो उसी फंक्शन में किसी दूसरे पार्ट का डेरिवेटिव, अगर ऐसा उसमें है, ठीक है, सो दिस इज द फिट केस फॉर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब एक ऑब्वियस सी चीज़ हो जाती है कि जब भी कंपोजिट फंक्शंस होंगे, ठीक है, तब इसकी संभावना ज़्यादा होगी, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन का मतलब हो गया, कोई भी कंपोजिट फंक्शन हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एफ ओ जी फॉर्म, एफ ओ जी एक्स इंटू जी डॉट एक्स डी एक्स, या तो इस फॉर्म में होगा या जी डॉट एक्स डी एक्स अपॉन एफ ओ जी एक्स, या इस फॉर्म में, तो जो कॉमन एक्सप्रेशन है इस फॉर्म में अगर आपको चीज़ें मिल रही हैं, तो दीज आर फिट केस ऑफ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये बात समझ में आई? इस केस में क्या करें, केस वन, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स जी डैश एक्स डी एक्स, हम यहाँ पे जी एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या करेंगे, जी एक्स को, तो लेट जेड इज इक्वल टू जी एक्स सच दैट डी जेड इज इक्वल टू सच दैट डी जेड इज इक्वल टू जी डैश एक्स इंटू डी एक्स। ये जो पूरी चीज है डी जेड में चेंज हो जाएगी, ठीक है, सो व्हाट विल बी वी आर लेफ्ट विथ, आई हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड, ठीक है, और ये अपने आप में एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ये अपने आप में एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी जो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगी, ठीक है। और अगर इसमें भी फिर दोबारा यही चीज नजर आ रही है, ऐसी चीज फिर नजर आ रही है, तो हम सेकेंड सब्स्टिट्यूशन के लिए जाते हैं, ठीक है, ये पॉसिबल, वी गो फॉर सेकेंड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा पर्पज क्या है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लें और डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करें, इसलिए हम इस चीज को कर रहे हैं, ठीक है। इस केस में क्या होगा, सेकेंड केस, यहाँ पे भी हम जी डैश एक्स को जेड पुट करेंगे, लेट जेड इज इक्वल टू जी एक्स, तो डी जेड क्या मिलेगा हमें, जी डैश एक्स डी एक्स, देयरफॉर आई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एफ ऑफ जेड, दिस विल अगेन बी सम स्टैंडर्ड फंक्शन विच इज डायरेक्टली इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो ये चीज़ हम उसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं और इससे फिर डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है, समझ में आया। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स फॉर दिस, कर दो।
I is equal to integration of tan x dx. We can write tan x. Tan x अपने आप में किसी का भी डेरिवेटिव नहीं होता है, हमें पता है, ठीक है? तो हम इसको रीराइट कर लेंगे sin x upon cos x की फॉर्म में, ठीक है? अब थोड़ा ध्यान से देखें तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x, ठीक है ना? तो माइनस हम मैनेज कर देंगे, sin x तो है हमारे पास, ठीक है? तो हम वी गो फॉर सब्स्टिट्यूशन, लेट z इज इक्वल टू cos x, dz इज इक्वल टू माइनस sin x dx. ये माइनस साइन इधर ले आएंगे dz को, सो माइनस dz इज इक्वल टू sin x dx. तो sin x dx इसकी वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, dz, और cos x की जगह क्या आएगा, z. तो देयरफॉर I इज इक्वल टू माइनस dz अपॉन z. अभी स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन log की फॉर्म में आएगा, सो दिस इज इक्वल टू माइनस log z. माइनस में क्या कर सकते हैं, पावर में ले जा सकते हैं, ये वन अपॉन z, z की पावर माइनस में, तो वन अपॉन z ले सकते हैं, पावर को सामने ले आते हैं तो सामने वाली को पावर में भी ले जा सकते हैं, ठीक है? व्हाट इज z, क्या मानना था, cos, वन अपॉन cos क्या होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा log of secant x plus c. ये चलने हैं, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x कैन बी डायरेक्टली रिटन एज log of secant x, ठीक है? समझ में आएगी, ट्राई फॉर cot x, cot x का करो. अब साइन एक्स को जेड मान लेंगे, अब डी जेड क्या मिलेगा बेटा, कॉस एक्स डी डी एक्स, आई क्या हो जाएगा, आई विल बी डी जेड अपॉन जेड सिंपली, विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ जेड, जेड क्या साइन एक्स, दिस इज लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस. इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज log ऑफ sin x, ये रटे होने चाहिए आपको. इंटीग्रेशन ऑफ secant x, secant x किसी का डेरिवेटिव होता है, secant square x, secant square x होता है, secant x tan x भी होता है, secant नहीं होता, ठीक है? ये तो नॉलेज है ना, secant नहीं होता है मगर ये होता है, तो हम उसी को यूज कर लेते हैं, सेकंड स्क्वायर एक्स फॉर सेकंड एक्स टेन एक्स, ठीक है? तो इसको प्रोसीड करने के लिए हम इसको पहले उस फॉर्म में लेके आते हैं ताकि सब्सटीट्यूशन हो सके, और सब्सटीट्यूशन हो सके उसके लिए क्या जुगाड़ करने की जरूरत है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेकंड एक्स प्लस टेन एक्स, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से जोड़ दें, ये हो गया सेकंड स्क्वायर एक्स प्लस सेकंड एक्स and dx upon secant x plus tan x. अब देखो इसका डेरिवेटिव ये है, क्या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हमें दिखाई दे रहा है, secant x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x secant x, ठीक है? tan x का, और tan x का क्या होता है, वो भी दोनों, ठीक है? तो अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, सो लेट z is equal to secant x plus tan x, dz क्या हो गया, therefore dz is equal to secant x tan x plus secant square x dx, ये क्या हो गया अपना, therefore I is equal to dz upon z, एकदम सिंपल हो गया, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होगा, फिर log of z secant x plus tan x, log of secant x plus tan x plus,
इसको हम क्या लिख सकते, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log of tan x square 2 plus pi by 4। तो आपको ये शो करना है secant x plus tan x इसके बराबर आते हैं, प्रूव करो जल्दी से। ठीक है, अब पावर चाहिए आपको ट्रिग्नोमेट्री, वो डबल एंगल में है और वो नीचे हाफ है। तो डबल में नहीं है, मतलब एंगल में है और नीचे हाफ है। अगर वो डबल है या हाफ है तो चार गुना हो जाएगा। मोड का वो नहीं है ना, मोड का रोल है वन, अगर मोड का रोल नहीं। अब कृष्णा क्या करेंगे, sec x और tan x को sin को करेंगे। वेरी गुड, शाबाश, यही कर सकते हैं आप। देखो मैं कर ही क्या सकता हूँ, साइन कॉस में खोल सकता हूँ इसको, तो साइन कॉस में खोल देते हैं। तो आप कदम बढ़ाओगे तो और आपको स्टेप्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ठीक क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो वन प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, अब केयरफुल ऑब्जर्वेशन क्या है, यहाँ पे x है यहाँ पे x by 2 है, तो इसको x by 2 में चेंज करना सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, वन को x by 2 में कैसे चेंज करेंगे, इसको cos square x by 2 plus sin square x by 2 और इसको 2 sin x by 2 cos x by 2 ऐसे करके, हाँ अब याद आ गया ना, इसको square करना है। इसे क्या करेंगे, इसको इसको वो करेंगे ना, cos square x by 2 minus sin square। वेरी गुड, cos square x by 2 minus sin square x by 2। ठीक है, हो गया cos x by 2 plus sin x by 2 का whole square whole upon cos square x by 2 minus sin square x by 2। तो यहाँ पे a plus b, a minus b करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी करेंगे तो एक फैक्टर ऊपर नीचे कटेगा और ऊपर क्या बचेगा, फिर अंदर प्लस क्या बच जाएगा, cos x by 2 plus और नीचे बस वो माइनस में हो जाएगा, cos x by 2 माइनस sin x by 2 और डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x by 2, तो दिस विल बिकम 1 प्लस tan x by 2 अपॉन 1 माइनस tan x by 2, this one should be replaced by tan pi by 4 और ये 1 into यहाँ पे करके इसको भी change करें, tan pi by 4 हो जाएगा, तो identity होती ही है, इसीलिए तो change करना है इसको, identity की form में चला रहे हैं, tan pi by 4 upon 1 minus tan pi by 4 tan x by 2, so this is tan of फाइव बाई फोर प्लस। ठीक है, कहाँ पे यूज होगा ये पता है तुम्हें, क्या कहाँ पे यूज होगा ये सब, ये कहाँ यूज होगा समझ में, ये याद रख लेना, इसको चार स्टार लगा लो वहाँ पे, टैन इनवर्स डी एक्स, ये सॉल्व कर लो, ये सॉल्व कर लो, ये क्वेश्चन इंटीग्रल ऑफ टैन इनवर्स ऑफ सेकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। सवाल क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है, सवाल क्या बेटा, इंटीग्रेशन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है, तो अगर ये रिजल्ट पता है तो लिखो वहाँ पे और नहीं पता है तो पूरा करो, सवाल तो छोड़ना नहीं है, तो आप लिखो एज वी नो दैट सेकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू टेन ऑफ फाइव बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, सिंपल इंटीग्रेशन होगी, देखो इसका इंटीग्रेशन था अगर तो कांस्टेंट है तो x आएगा सर, पाई x बाय 4 ये क्या, ये ओके पाई x बाय 4 इसका और x स्क्वायर बाय 4। सेकंट का करा था ना, कोसेकंट x का इंटीग्रेट कोसेकंट x dx, अब यहां पे सेम अप्रोच लेनी जो सेकंट की ले ली थी, नहीं तो प्रोफिशिएंसी चाहिए कि किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो,
कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, ठीक है, और माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? कॉट एक्स, ठीक है। व्हाट यू नीड टू डू नाउ, यू शुड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कोसेकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कोसेकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स। न्यूमरेटर क्या होगा? कोसेकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स अपॉन कोसेकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स। क्यों? ऊपर से प्लस में आ रहा है, उनके डेरिवेटिव तो माइनस में होते हैं। तो आप इसकी चिंता करो, प्लस माइनस का मैनिपुलेशन तो होगा ना, दोनों के साथ आएगा, वो माइनस बाहर आ जाएगा तो आपके पास प्लस बचेगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखो, इसका भी माइनस, तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। ये सब दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए आपको, इतना मैनिपुलेशन आप चाहिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन है ये, ठीक है। आपकी जो सारी मैथमेटिक्स की स्किल्स है ना, है यूज, मैनिपुलेशन है, किससे मल्टीप्लाई करूँ, किससे डिवाइड करूँ, अब तुम सोचो, ढूंढ के रह रहे हो दुनिया में से, ताकि ये इंटीग्रेबल हो जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी होते काम होते हैं, cos x + cot x मल्टीप्लाई डिवाइड किया फटाक से, नहीं नहीं, शोध तो अब चाहिए ना, एग्जैक्टली शोध तो अब चाहिए, ठीक है। वहाँ तो बहुत करे करे सवाल सामने आने आपके, हकीकत ये करे करे सवाल सामने आते हैं वहाँ पे, और वो तब भी नहीं होते तब ज़्यादा दुख होता, ठीक है। तो क्या करें बेटा, क्या एज्यूम करें यहाँ पे, इसको z एज्यूम कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू कोसेकेंट x प्लस कॉट x, डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, देयरफॉर dz इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट x कॉट x माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो ये माइनस माइनस कॉमन लेके आ रही है, ये माइनस डी जेड इज इक्वल टू कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। तो ये अब एक्सप्रेशन क्या हो गया, देखो मैं आई लिख रहा हूँ यहाँ पे, पैरेलल लिखने की जरूरत है। आई का बेनिफिट ये है कि मैं इसी चीज को रिप्रेजेंट करता रहूँ, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बार डी जेड अपॉन जेड सुपर फॉर्म आ गई फिर से, और इसका स्टैंडर्ड जेड क्या होगा, माइनस लॉग जेड, इस माइनस को कैसे मैनेज करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा लॉग ऑफ वन अपॉन जेड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ वन अपॉन कोसेकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स, और ये क्या होता है, कल पूछ रहा था ना तेरे से सवाल, बताइए क्या होता है, बोला था ना फॉर्मूला लिख ट्रिग्नोमेट्री के साथ, ये वाला पूछा था, बता क्या होता है, लग रही ना देर लग रही, ये नहीं लग रहा, इसी को रिड्यूस कर देंगे कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, ये तब ये पूरा सॉल्व करते बैठोगे और हम तो मैं ये चिल्लर सारे दे रहा हूँ, ये कहाँ से आ रहे हैं, जैसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी आइडेंटिटी से आ रहे हैं, ठीक है। तो टेंथ कितनी इम्पोर्टेंट है, यहाँ भी यूज होगी, यस, हर नजरिए से फॉर्मूला दिखा देता हूँ, बच्चे तीन याद करके आते थे, मैं यहाँ नौकर आता था, ठीक है, आगे समझ में। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस बी, क्या करेंगे बताओ, कौन सा फॉर्म लगाएंगे, साइन एक्स प्लस ए को अगर मैं साइन ए प्लस बी वाले फॉर्म से खोलूंगा तो नीचे टर्म ज्यादा ही है, ऊपर तो एक ही टर्म, तो इसको तो मैं अलग अलग नहीं कर सकता। अगर ऊपर a प्लस बी एक्स प्लस ए होता और नीचे खाली x होता तो ऊपर खोल के मैं अलग अलग टर्म्स को डिवाइड कर सकता था, नीचे वो नहीं होगा ना, ठीक है, ऐसा तो सोच सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा मैं कब कर सकता हूँ, जब मैं
लेट टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए ले लू। अच्छा ये वैसे करना है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी टी इज इक्वल टू डी एक्स और एक्स क्या टी माइनस ए इज इक्वल टू एक्स। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी माइनस ए अपॉन साइन टी इंटू डी टी। आप इसको खोल के से डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हो, कर दो बेटा जल्दी। ये वाला मेथड कौन सा होता है, सब्स्टिट्यूशन। अब इसको हम ड्यूएबल रेंज में लिया है ना, तो लिखाया था ना साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, क्या होता है बोल, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अच्छा I इज इक्वल टू क्या है बेटा, कॉस ए, कॉस ए, हां जी, कॉस ए माइनस साइन ए cot t dt, cot t dt, ऐसा। हां जी, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए cos a dt माइनस sin a cot t, ठीक है। cos a क्या होता है, कांस्टेंट, बाहर खाली dt अंदर, sin a कांस्टेंट बाहर, cos a कांस्टेंट क्या करेगा, cot तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बार डीटी का डेरिवेटिव, डीटी का इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या है, टी, सिंपल टी, वन है ना, वन इंटू डी टी, तो वन किसका डेरिवेटिव होता है, टी का, तो इसका वन का इंटीग्रल क्या होगा, टी, क्योंकि टी कॉस है माइनस कॉट टी का क्या था रिजल्ट अभी निकाला था मैंने, हाँ बिल्कुल पुरानी का ऐसे लिखना ही, तो आप कॉस ए टी इकट्ठा कर दोगे, एंगल बना दोगे पूरे को। अब टी किसको माना था, टी कॉस, टी की जगह एक्स प्लस पुट कर दूँ वो आपका रिजल्ट होगा। e to the power 2x minus 1 upon e to the power 2x plus 1, ये कैसे सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से e की पावर x कॉमन ले लो, आया समझ, ये तो कट गया, नमस्ते हुई इसको। अब इसका डेरिवेटिव ये है, दिख रहा है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिख रहा है, dz is equal to e to the power x minus e to the power minus x। क्षण मात्र की भी देरी नहीं लगनी चाहिए ये माइनस कहाँ से आया ये सोचने के लिए, तो ऑटोमेटिकली चेंज रूल नजर आना चाहिए। तो ये क्या हो गया बेटा, इसमें कन्वर्ट हो गया, ये तो ऊपर का तो पूरा हो गया dz, नीचे का हो गया z, log of z log of e to the power x e to the power minus x। नीचे टेन कैसे बना सकते हैं ये सोच, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते टू से, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई टू से मल्टीप्लाई साइन टू एक्स बन जाता, फिर उसको वही तो कह रहा था मैं, करके देखो ट्राई मारो, ट्राई मारो, ये तरीका सोचने का तरीका, ऐसे सोचना है आपको, ठीक है सोचिए करोगे करो बेटा बेटा, नहीं मैं तो फिर दूसरा तरीका बताऊंगा ना, एक तो ये आपका है जो ट्राई है, और इसमें क्या प्रॉब्लम आती है वो फील करो, करो उस चीज को, देर मत लगाओ। तो आपके पास आ गए secant square x dx, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम आती है क्या ऐसा करने से, चेक करो ये हो रहा है। अब कौन किसका डेरिवेटिव, secant square x tan x का डेरिवेटिव होता है, इसको सब्स्टिट्यूट करो फिर, लेट t इज इक्वल टू tan x, लेट z इज इक्वल टू tan x, डिफरेंशिएट करो dz इज इक्वल टू secant square x dx, साथ में लिखना है, आप dz थोड़ी करते हो, dz / dx करते हो, dz
जब डिफरेंशिएट करते हो तो dz by dx करते हो ना, y को कहते हो dy by dx लिखते हो ना, तो आप dz लिख रहे हो, dx क्यों नहीं लिख रहे हो? And then mod tan x plus c, ये इधर आएगा, इसको मैं dz by dx लिखूं, इसको मैंने ऊपर में दिया है। हाँ तो वहाँ उसको लिखो, हमेशा लिखना है वो, ये कह रहा है यहाँ पे dx हमेशा लिखना है, secant square x पे नहीं छोड़ना है, dz is equal to secant square x into dx, ये लिखना है। तो secant square x dx क्या हो गया? dz ये क्या हो गया? root z। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, स्टैंडर्ड फार्मूला dz upon root of z आ रहा है। तो स्टैंडर्ड फार्मूला तो है ये, अब इसमें देखो लगा दिया है ये स्टैंडर्ड। अच्छा नीचे फिर root of log, तो नहीं सोच पा रहे हो यार, रूट का पावर हाफ करके ऊपर क्यों नहीं ले जा पा रहे? तो क्या होगा? एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला नहीं बन गया वो? एक्स की पावर एन डी एक्स क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। पर फिर हाँ बेटा बोलो, नुकसान क्या हुआ? सॉल्व हो गया बेटा, आंसर आ गया। जेड की पावर हाफ तो आया ही नहीं इससे, रूट है ना, रूट नहीं होता तो आता हूँ। तो लॉग लेना था, लॉग ले ले। तो ये टू रूट जेड प्लस सी, जेड किसका मान था? टेन। टेन्स अपॉन ए प्लस बी, पहला थॉट इसमें मैं कर क्या सकता? उससे ये सिमटेगा या फैलेगा? तो हाँ हाँ सोच, आपको तो ऐसे ही सोचना है, मुझे तो पता है, मैं तो बाबड़े बेल चुका हूँ, मुझे तो पता है क्या करना है, आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं ये सोचना है। तो पहली चीज इसने सोची कि इसको टी पुट कर देते हैं, ये कॉन्स्टेंट होगा, जीरो हो जाएगा, इसका हो जाएगा टू बी टेन एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और सेकेंड स्क्वायर एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स को हटाओगे कैसे हटाओगे? वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स कर दोगे, ठीक है? और उस टेन स्क्वायर एक्स में यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या क्या लिखोगी फिर? टी माइनस ए अपॉन बी, मतलब ये तो फैल रहा है ना, उलझ रहा है, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, उलझ रहा है, फैल रहा है, ठीक। और क्या सोच सकते हैं? एकदम आसान क्या सोच सकते हैं? एकदम आसान, उसी में आंसर, ये याद रखना है, ठीक है? आसान काम हो गया। अब बेटा एक cos x तोड़ गया ऐसे, तो sin x और cos x है, क्या होना चाहिए? sin 2x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर? बाहर टू से डिवाइड, अंदर टू से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हाफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ साइन टू एक्स अपॉन ए, चलो लिख दो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा? एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा? टू कॉस एक्स माइनस टू कॉस एक्स, तो टू साइन एक्स कॉस एक्स आ रहा है, क्या बन रहा है? साइन टू एक्स माइनस माइनस साइन स्क्वायर एक्स को करते हैं तो क्या बन रहा है? टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो भी साइन टू एक्स बन रहा है, तो दोनों को ही डिफरेंशिएट करने से साइन टू एक्स बन रहा है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। लेट दिस इज इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा? पहले से तो हाफ है, अब वन अपॉन टी इंटू डी टी अपॉन बी माइनस ए, ये लिखा जाएगा, बी माइनस ए क्या कॉन्स्टेंट भाग लिया डी टी अपॉन टी, एंड व्हाट
क्या नहीं आ रहा है साइन टू एक्स डी एक्स साइन टू एक्स डी एक्स ये वैल्यू है और ये नीचे पूरा हमने टी माना था मुझे बना पड़ा टी रख दिया और उसकी जगह आपने डी टी माना सब्सिट्यूट कर दी वैल्यू हाँ जी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया मैं टी की वैल्यू डालूंगा ये आंसर